बड़ा हादसा केरल के कासरगोड में, ये बड़ा हादसा हुआ है। और वहीं एक पटना में भी कल रात मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। बिल्कुल, आपको बता दें कि मेट्रो टनल में लोको मशीन का ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ है और इस हादसे में 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। साथ ही आधा दर्जन मजदूर घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनमें से 4 मजदूरों की हालत काफ़ी गंभीर है। फिलहाल घायलों को पटना के PMCH हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो ये एक और हादसा इस वक्त सामने आया है बिहार के पटना से, जहां पर मेट्रो टनल में लोको मशीन का ब्रेक फेल हुआ, जिसकी वजह से 3 श्रमिकों की वहां पर मौत हो गई और आधा दर्जन मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। 4 की हालत बेहद गंभीर भी है। तो 4 मजदूरों की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। घायलों को पटना में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मधुरेश ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। मधुरेश, क्या कुछ है ताज़ा स्थिति अभी? घायल जो मजदूर हैं उनकी हालत कैसी है और राहत बचाव कार्य किस प्रकार? देखिए, जो राहत बचाव का कार्य है वो पूरा हो चुका है और ये जो हादसा है ये बताया जा रहा है कि सोमवार की रात लगभग 11 बजे के आसपास हुआ था। और ये हादसा तब हुआ जब एक लोको मशीन से सामान, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था, उसको बाहर से अंदर की तरफ ले जाया जा रहा था और उस लोको मशीन का जो वो फेल हो गया, जिसके कारण वो मशीन अनियंत्रित होकर के कई मजदूरों के ऊपर चढ़ गई। और अभी जो आधा दर्जन मजदूर जो घायल बताए जा रहे हैं, उसमें से 4 जो मजदूर हैं उनकी हालत चिंताजनक है। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि जो टेस्ट के आंकड़े हैं वो भी बढ़ सकते हैं। हालांकि जो राहत और बचाव का कार्य था वो पूरा कर लिया गया है और जो कंस्ट्रक्शन वर्क वहां पे चल रहा था और जिसके सुपरविजन में चल रहा था, उससे भी पूरी जानकारी ली जा रही है। मेट्रो जो मेट्रो के अधिकारी हैं वो कल रात से ही वहां पे कैंप कर रहे हैं। हमारी बात अभी कुछ देर पहले जो पटना मेट्रो की पीआरओ है उनसे हुई और उन्होंने जानकारी दी कि अभी 2 कंफर्म डेट है के आंकड़े हैं उनके पास में। तो ये कहा जा सकता है कि 2 आधिकारिक पुष्टि है, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है 3 मजदूरों की मौत हुई है। जी, फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे मधुरेश के जो लोग घायल हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है? जी, जैसे कि मैंने बताया कि जो 4 लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं और जो 2 अन्य मजदूर जो बताए जा रहे हैं उनकी स्थिति सामान्य से ठीक ठाक है, लेकिन जो गंभीर रूप से घायल मजदूर है उनका इलाज पटना के PMCH अस्पताल में चल रहा है और चारों ही अभी ICU में भर्ती हैं और उनकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ब्लड लॉस काफी ज्यादा हुआ है और इसलिए जो मरीज हैं उनकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है। इसके अलावा जो PMCH के डॉक्टर हैं उनकी तरफ से हालांकि अभी कोई बुलेटिन जारी नहीं किया गया है या उनकी तरफ कोई ब्रीफिंग नहीं। ये भी बताइए मधुरेश कि अब जब राहत बचाव का कार्य पूरा हो गया है तो अब मेट्रो निर्माण कार्य दोबारा शुरू होने में कितने दिन लगेंगे? देखिए, हादसे के बाद तुरंत मेट्रो निर्माण कार्य वहां शुरू किया जा सके ऐसी स्थिति अभी मुझे लग नहीं रही है। हालांकि अधिकारी इस बारे में कुछ बता नहीं रहे, लेकिन 1 से 2 दिनों में स्थिति सामान्य रूप हो जाएगी और उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो सकते हैं। वैसे बताया ये भी जा रहा है कि अभी चूंकि दिवाली और छठ का त्योहार यहाँ बिहार में है तो जो निर्माण कार्य है वो इस दौरान दिवाली से लेकर के छठ तक निश्चित रूप से थोड़ी धीमी हो जाती है, क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं वो छुट्टी पे चले जाते हैं। जी, तो ये वैसे भी ब्रेक लगने का समय था कि जब निर्माण कार्य या तो धीमी होती या फिर बंद होती। जी मधुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये हादसा कितने बजे हुआ है, साथ ही इस हादसे को लेकर अब किस तरीके से जांच की जा रही है? जी, ये हादसा सोमवार की रात लगभग 11 बजे हुआ है और इस हादसे के बाद सबसे पहले जो पटना मेट्रो के अधिकारी है वहां पे पहुंचे और पूरी जो राहत और बचाव कार्य था उसको पूरा किया और उसके बाद में टीम बनाकर के पूरे हादसे की जानकारी ली जा रही है। देखा जा रहा है कि किस स्तर पर चूक हुई है, किसी तरह की मशीनरी चूक है या किसी तरह की मानवीय भूल है, ये गलती कहाँ से हुई है और लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है कि कहाँ से गड़बड़ियां हुई है। हालांकि अभी जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से कोई मतलब जांच के लिए कोई SIT वगैरह गठन की बात अभी नहीं कही गई है, लेकिन संभव है कि आज दिन में जो संबंधित मंत्रालय है, जो विभाग है, उसके द्वारा जांच टीम का भी गठन किया जाएगा।